नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका विज्ञान विषय है उसके लिए हम मॉडल पेपर 2020 के लिए आपको करा रहे हैं। और आप जानते हैं विज्ञान विषय का चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर 10 नवंबर 2020 को जो है वो प्रस्तावित है। तो आज हम देखेंगे इस मॉडल पेपर का सॉल्यूशन। इससे पहले हम पेपर देख चुके हैं, यदि आपने नहीं देखा तो सबसे पहले पेपर को देखिएगा, क्योंकि खुद से पहले आप प्रयास कीजिए कि आपका वहां पर कितना स्कोर रहा, कितने आप प्रश्न कर पाए, उससे क्या होगा कि आपकी कितनी तैयारी है वो आप चेक कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन आप तभी देखेगा जब आप प्रश्न वाला जो है वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। विज्ञान विषय आप देख रहे हैं यहाँ पर 10/11/2020 को पेपर है, 10 बजे से 11 बजे तक किसका चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा वर्ष जो है उसके संदर्भ में यहाँ पर ये स्कीम दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं। 5 बहुविकल्पी आपके आते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पी मैंने पूछा था विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन दिए थे, रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल या कैल्सीफेरॉल। तो विटामिन के संदर्भ में बात कर लेते हैं क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले विटामिन ए, आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है आपका रेटिनॉल। ये जो रेटिनॉल ऑप्शन में दिया है ये विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे रतौंधी जो है वो होता है। फिर यदि आपसे कहा जाए विटामिन ए के स्रोत क्या होते हैं तो गाजर, दूध, अंडा, फल, ये सभी आपके हो जाएंगे। फिर विटामिन बी की बात करें तो इसमें आपका B1, B2, B3, B5, B6 इस टाइप से करते हैं, B12 तक विटामिन होते हैं, जिसमें आपका जो विटामिन बी है सामान्यतः हम B1 का ही रासायनिक नाम देखते हैं और रासायनिक नाम B1 का होता है थायमिन। क्या होता है? थायमिन। इसकी कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है बेरी बेरी। नाम ध्यान रखिएगा, बेरी बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग होता है। अब स्रोत की बात करें तो मूंगफली में विटामिन B1 आप कह सकते हैं, आलू है, सब्जियां हैं, इनमें आपको विटामिन B1 देखने को मिलता है। ट्रिक भी इसकी है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लास्ट में मैं क्या करूँगा एक बार फिर से बता दूंगा। फिर बढ़ते हैं विटामिन सी की तरफ। तो विटामिन सी की अगर बात करें तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कार्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक अम्ल भी आप कह सकते हैं, एस्कार्बिक एसिड भी कह सकते हैं। फिर बात करेंगे विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, तो आप क्या कहेंगे? स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग होता है। मसूड़ों का फूलना आप कह सकते हैं इसके अंतर्गत आता है, इसकी कमी से होने वाले रोग के अंतर्गत आता है। फिर बात करते हैं स्रोत विटामिन सी के, तो आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, नारंगी हो गया, अधिकतर आप खट्टे जितने फल देखते हैं वो आपके विटामिन सी के अच्छे स्रोत के अंतर्गत आते हैं। फिर अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। नाम आपको सभी पता होना चाहिए और यही आपसे मैंने बहुविकल्पी में पूछा था विटामिन डी के संदर्भ में। तो कैल्सीफेरॉल जो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी दे रखा है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिसने इसने डी ऑप्शन दिया था उसका बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग अगर बात करें तो रिकेट्स जो है वो होता है। और इसके अगर स्रोत की बात करें तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश है, दूध है, अंडा है, ये सभी आपके विटामिन डी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं, परंतु सूर्य का प्रकाश सबसे बेहतर स्रोत माना जाता है। और अगला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई की बात करें तो इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। और विटामिन ई का ये नाम हो गया, यह रासायनिक नाम हो गया, इसकी कमी से होने वाला रोग विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति जो है उसका कम होना। यहाँ पर आप शॉर्ट में लिख सकते हैं जनन शक्ति कम होना। फिर विटामिन ई के स्रोत क्या हैं, तो हरी सब्जियां, मक्खन, दूध, ये सभी आपके आते हैं। और फिर होता है विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ये जो है होता है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसकी कमी से यानी कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग क्या होता है, तो जो रक्त का थक्का होता है वो नहीं बनता है, रक्त का थक्का ना बनना आप जो है वो कह सकते हैं।
फिर विटामिन के स्रोत की अगर बात की जाए तो स्रोत आपके टमाटर हो गया, हरी सब्जियां हैं, दूध है, ये सभी इसमें जो है वो आ जाएंगे। तो ये सारे मैंने बता दिए, डी ऑप्शन सही होगा। अब इसकी एक ट्रिक होती है छोटी सी, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और ट्रिक होती है रथ पर एक टॉफी, ये आपकी छोटी सी ट्रिक होती है। यहाँ पर जो रा है इससे आप कहेंगे विटामिन ए का नाम होता है, और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। तो रा से आपका रेटिनॉल हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं बी की तरफ, जो होता है था से, जिसका होता है थाइमीन। था से क्या हो जाएगा, थाइमीन। फिर विटामिन ए हो गया, बी हो गया, फिर आएंगे सी पर। सी का नाम क्या होता है, एस्कार्बिक होता है। तो ये जो एक का ए है इससे एस्कार्बिक हो जाएगा, ये साइलेंट रहता है आपका पर। फिर जो का है इससे क्या होता है, इससे होता है आपका जो विटामिन डी है उसका नाम है कैल्सीफेरॉल, तो का से कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। फिर ई जो है इसका जो टा है इससे हो जाता है टोकोफेरॉल, तो विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। और आखिर में फा है इससे है फिलोक्विनोन, जो आपका विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो रथ पर एक टॉफी से आप सभी नाम याद रख सकते हैं। ट्रिक अच्छी है, सभी लोग याद रखिएगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। पीतल जो कि एक मिश्र धातु है, इनमें से क्या इसमें होता है, टिन होता है, जस्ता होता है, नाइक्रोम होता है, या निकल होता है। इस प्रकार से चार ऑप्शन थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो पीतल है जो कि एक मिश्र धातु है, किससे किससे मिलकर बनी हुई है। तो आप क्या कहेंगे, जस्ता और तांबे से मिलकर जो है वो बनी हुई है। और यहां पर क्या पूछा था, इनमें से क्या होता है, तो आप कहेंगे जस्ता होता है, क्योंकि जस्ता और तांबे से ही मिलकर बनी। तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तांबे में जस्ता मिलाने से तांबे की जो सामर्थ्य है उसमें कठोरता बढ़ जाती है, उस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। और यूजेस तो आप देखते हैं, पीतल के बर्तन भी आते हैं। और यदि आप कहेंगे तो पीतल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इससे निर्मित वस्तुएं अधिक टिकाऊ और आकर्षक जो है वो होती हैं। तांबे के कंपैरिजन में अगर बात करें पीतल की, तो पीतल तांबे की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, इसका रंग भी अधिक आकर्षक होता है, इस टाइप से इसको आप परिभाषित कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट बहुविकल्पी है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। ये सारी चीजें टाइप करने में आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो एक लाइक तो सभी लोग कर ही दीजिएगा। देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। सॉल्ट पीटर किसका अयस्क है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम, मैग्नीशियम या लेड। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला, पोटेशियम जो है आपका सही हो जाएगा। जो पोटेशियम आपका एक धातु है, इसके अयस्क की बात करें तो दो मुख्यतः इसमें अयस्क होते हैं। एक होता है आपका सॉल्ट पीटर, जिसे हम एक अन्य नाम से जानते हैं, जो नाम है आपका नाइट्रेट। मैंने जानबूझकर दूसरा नाम दिया था ताकि लोग कंफ्यूज हों। तो नाइट्रेट आपका होता है, इसका सूत्र होता है KNO3। तो ध्यान रखिएगा सॉल्ट पीटर इसी को कहा जाता है, तो आपसे इस टाइप से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसका एक और अयस्क होता है जिसका नाम होता है कार्नेलाइट। क्या नाम होता है, कार्नेलाइट। और इसका भी आपको सूत्र पता होना चाहिए, और वो सूत्र होता है आपका KCl.MgCl2.6H2O। तो ये आपका इसका सूत्र होता है। देखिए अयस्क कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी धातु आपको देखने को मिल जाएगी पेपर में जिसके अयस्क दो मिनिमम तक आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप जितने भी मेन मेन हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम है, सोडियम है, या कह सकते हैं मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इस टाइप के मैंने फास्ट डिवीजन में आपको बताए थे, उनको याद कर लीजिएगा। फास्ट डिवीजन में आपका इन सभी सब्जेक्ट का करा चुका हूँ, नहीं देखा है तो 4 सेमेस्टर फास्ट डिवीजन वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, सारी चीजों को रफ कर देते हैं। इनमें से कौन मूल मात्रक नहीं है, केल्विन, कैंडेला, एम्पियर या पास्कल। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, तो मूल मात्रक की संख्या कुल 7 होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से होते हैं, देखिए मैं सबसे पहले राशि लिखता हूँ उसके बाद मात्रक लिखता हूँ। जैसे कि अगर बात की जाए लंबाई या दूरी के संदर्भ में, तो इसका मात्रक क्या होता है, आप कहेंगे मीटर होता है। तो आपका सबसे पहला जो मूल मात्रक है वो मीटर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगली राशि जो कि है आपकी द्रव्यमान। द्रव्यमान की अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, तो आप कहेंगे किलोग्राम होता है, किग्रा भी आप इसे लिख सकते हैं।
फिर आपकी लंबाई द्रव्यमान के बाद आता है समय। समय की अगर बात करें तो आपका इसका मात्रक होता है सेकेंड, ये आपका तीसरा मूल मात्रक हो जाएगा। चौथे नंबर पे आपका आएगा ताप और इसका मात्रक होता है केल्विन। क्या होता है इसका मात्रक? केल्विन। और ये भी आपका मात्रक आ जाएगा। ताप के बाद आपका आएगा विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। फिर आपका नेक्स्ट क्या आएगा? ज्योति तीव्रता। ये आप जितने भी मैं सात नाम बता रहा हूँ इनको रट लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न कैसे भी घुमा कर पूछा जा सकता है। और कोई न्यूमेरिकल वगैरह पूछा जाता है तो उसमें भी तो आप मात्रक लिखते हैं तो वहां भी आपको हेल्प करेगा। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। और लास्ट आपका होता है पदार्थ की मात्रा। और पदार्थ की मात्रा का इकाई की अगर बात करें तो क्या होती है? मोल होती है। ये आपके सात जो है वो हो जाएंगे। और ये सातों क्या है? मूल मात्रक हैं। अब प्रश्न में कह रहा था इनमें से कौन सा मूल मात्रक नहीं है, तो देखिए केल्विन है, आप कहेंगे है बिल्कुल है। कैंडेला है, आप कहेंगे है नीचे से दूसरे नंबर पे। एम्पियर है, आप कहेंगे बिल्कुल ये देखिए एम्पियर है। पास्कल है, पास्कल नहीं है, तो पास्कल यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। बढ़ते हैं हमारे अगले और लास्ट बहुविकल्पी की तरफ। और बहुविकल्पी नंबर पांच देखते हैं, जनसंख्या सिद्धांत नामक लेख किसने लिखा था? लैमार्क, बीजमैन, माल्थस या डार्विन। इस प्रकार से चार ऑप्शन मैंने दिए थे। तो बात करते हैं आंसर की, तो आपका माल्थस यहाँ पर सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत काफी फेमस भी है, तो ध्यान रखिएगा माल्थस थ्योरी जो है इनके संदर्भ में ही है और नामक लेख भी जो है इन्होंने ही लिखा था। तो हमारे पांच बहुविकल्प भी समाप्त हुए। बढ़ते हैं हम अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जो कि आपके प्रश्न नंबर 6 से लेकर 11 के बीच में आते हैं। तो छठा प्रश्न आपका मैंने पूछा था, प्रत्यावर्ती धारा के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो प्रत्यावर्ती धारा मैंने बताया था ऐसी धारा जिसका जो परिमाण है और दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसे हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। एग्जाम्पल यहाँ पर दो पूछे हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपका पंखा हो गया, या आप कह सकते हैं फ्रिज हो गया, या आप कह सकते हैं टीवी हो गया, या आप कह सकते हैं बल्ब हो गया। इस टाइप के कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। फिर इसी से ही संबंधित एक और धारा होती है जो होती है दिष्ट धारा। दो आपके विद्युत धारा के प्रकार होते हैं, दिष्ट धारा जिसे हम कहते हैं डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट। तो दिष्ट धारा क्या होता है? ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। और इसके अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए दिष्ट धारा की, तो आप क्या कहेंगे? ट्रांजिस्टर हो जाएगा, कैलकुलेटर हो जाएगा, टॉर्च हो जाएगा। इस टाइप के आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले इन्हीं चार अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अब मैंने आपको बताया था फास्ट डिवीजन में, तो कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं निमेशक पटल हो जाएगा। निमेशक पटल क्या होते हैं? मनुष्य में अर्धचंद्राकार झिल्ली के रूप में होते हैं और जंतुओं में विशेषकर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार दूसरे नंबर पर आप पूंछ लिख सकते हैं, तीसरे नंबर पर आप कर्ण पल्लव की पेशियां लिख सकते हैं, चौथे नंबर पर आप अपेंडिक्स लिख सकते हैं और पांचवें नंबर पर आप अक्कलदाढ़ लिख सकते हैं। हालांकि पूछे चार ही गए थे, पर एक एक्स्ट्रा ध्यान रखिए, क्या होता है कभी कभार एक आधा भूल जाते हैं, तो वहां पर चार आप जो है वो आसानी से लिख सकते हैं। तो मनुष्य में अवशेषी अंग ये सभी आपके हो जाएंगे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां, तन्यता या आघात वर्धनीयता में से किसी एक के बारे में बताइए। तो धातु अधातु में सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं तन्यता के संदर्भ में। तो तन्यता क्या होता है? यदि बात करें तन्यता की, तो कोई भी ठोस पदार्थ है उसको आप जब उसमें तनाव खींचते हैं ना, तो तनाव डालने पर क्या हो, खींचकर आकार बदलने की जो क्षमता होती है यदि है उसमें तो उसे हम तन्यता कहते हैं, यदि नहीं है तो उसे अतन्यता कहते हैं। इतना सिंपल सा आपका जो है वो हो जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल भी बहुत पूछे जाते हैं, जैसे तन्यता का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आपका सोना हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। दो ये दोनों आपके तन्य जो पदार्थ हैं उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तन्यता में एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि जो तनाव है जब आप खींचेंगे धीरे धीरे क्या होगा, वो पतले तार के रूप में जो है वो खिंच जाते हैं, टूटते नहीं है, तो तन्यता में ये गुण पाया जाता है।
अब बात करते हैं आघात वर्धनीयता के संदर्भ में कि ये क्या होता है। तो कोई भी पदार्थ है उसको दबाने पर विकृत होकर दाब के लंबवत दिशा में जो फैलने का गुण होता है उसे हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनी जो पदार्थ होते हैं उनको जब हथौड़े से आप पीटेंगे या बेलकर आप कह सकते हैं आसानी से चपटा किया जा सकता है। अगर उसमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं है तब आप उसे दबाएंगे तो क्या होगा, वो टूट जाएंगे। तो धातुओं में ये गुण पाया जाता है आघात वर्धनीयता का। जब धातु अधातु में अंतर मैंने बताया था वहां पर मैंने जो है वो बताया भी था। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से इसमें हो जाएंगे, हो सकता है इस टाइप से भी प्रश्न पूछ लिया जाए आघात वर्धनीयता के, कोई दो या तीन या चार एग्जाम्पल बताइए। तो इसमें भी आपका जैसे कि सोना आता है, इसमें आपका लोहा आता है, इसमें आपका एल्यूमिनियम आता है, इसी प्रकार पीतल हो गया, चांदी हो गया, सीसा हो गया, इस टाइप के बहुत से एग्जाम्पल आप इसमें लिख सकते हैं। अब करते हैं देखते हैं अपना अगला प्रश्न 9, पिग आयरन क्या है। जब मैंने बताया था फर्स्ट डिवीजन में मैंने कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है, पूछा भी काफी जाता है। तो क्या होता है पिग आयरन, वात्या भट्टी से प्राप्त। सबसे पहले ये ध्यान रखिए वात्या भट्टी, तो वात्या भट्टी से प्राप्त जो लोहा होता है उसे हम पिग आयरन कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इस पिग आयरन में 93% जो है वो लोहा रहता है। इस पिग आयरन में 93% जो है वो लोहा रहता है और 4% जो है वो कार्बन रहता है, और अन्य जो परसेंटेज इनके अलावा है वो आप कह सकते हैं शेष अन्य जो है वो अशुद्धियां जो है वो होती हैं, शेष जो है वो अन्य अशुद्धियां जो है वो होती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अशुद्धियां काफी कम है, इसी रीजन से आप कह सकते हैं कि गलनांक भी जो है इसका कम होता है। पिग आयरन के संदर्भ में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो आप क्या कहेंगे, पाइप बनाने में यूज होता है, नहाने के जो टब होते हैं उनमें बनाने में यूज होता है, इसी प्रकार कूड़ादान वगैरह जो है उसमें बनाने में यूज होता है। तो ऐसे इसके यूज भी ध्यान रखिएगा, आएगा इससे संबंधित तो एक तो एग्जाम्पल जरूरी है लिखना। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अति लघु ही मैंने दिए थे केवल, क्योंकि लघु में उत्तरी में आपको मैं पूरा करा ही चुका हूँ पास डिवीजन में सारी चीजें, तो लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ पर कोई कराने का मेन मकसद था नहीं। मेन आपके अति लघु और वन लाइनर से आप चेक कर सकते हैं आपकी तैयारी किस लेवल की जो है वो है और कितनी और ज्यादा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है। जिन्होंने नहीं देखा है फर्स्ट डिवीजन साइंस का या सोशल साइंस का, सब मैं करा चुका हूँ, सोशल साइंस का कंप्लीट कोर्स 8 वीडियो में से पहले ही समाप्त हुआ था, नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 10वां प्रश्न है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किस वैज्ञानिक ने किया। तो आप कहेंगे किसने किया, आप कहेंगे मोजले ने जो है वो किया था। इनका नाम ध्यान रखिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन, या दूसरे तरीके से आप कह सकते हैं मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी मोजले ने जो है वो दी थी। और आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में मेन डिफरेंस क्या था, तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों के रासायनिक गुण जो थे वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। जब बात की जाए मेंडलीव की आवर्त सारणी की, पर अगर पूछ लिया जाए आधुनिक आवर्त सारणी तब आप क्या कहेंगे, तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इस प्रकार से आप डिफरेंस भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। और उसको देखने से पहले, वीडियो को अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी आपको अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो सभी का एक लाइक तो बनता ही है। और वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा कि नेक्स्ट आपका मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का जो है वो दिया जाए, और सभी प्रश्न देखने के बाद आपका स्कोर कितना रहा। 11 प्रश्न हैं तो आपके 11 प्रश्न में बहुविकल्पी और इनको मिलाकर कितने प्रश्न सही रहे वो भी अवश्य अपना स्कोर कमेंट में जो है वो बताइएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 11 नंबर, धातु गैल्वोनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि धातु गैल्वोनीकरण प्रक्रिया किसमें आती है। तो धातुओं को संक्षारण से
बचाना, संचारण क्या होता है, नष्ट होने से बचाने के लिए जो अलग अलग कह सकते हैं उपाय किए जाते हैं उसमें आपका धातु गैल्वनीकरण आती है। कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, जैसे कि पहले नंबर पे आप कह सकते हैं पेंट जो है इसका लेप लगाकर, दूसरा आप कह सकते हैं ग्रीस या तेल लगाकर, तीसरा आप कह सकते हैं गैल्वनीकरण या धातु चढ़ाना, चौथा आप कह सकते हैं विद्युत लेपन जिसे हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग के नाम से जानते हैं। तो ये आपके सभी किसमें आते हैं, धातुओं को संक्षारण से बचाना, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। तो इसी में अगर बात करें अब धातु गैल्वनीकरण की, तो क्या होता है, इसी को हम कहते हैं धातु चढ़ाना या पिघले हुए जस्ते में डुबोकर इस्पात या लोहे के ऊपर ही मुख्यतः आप देखते हैं, तो पिघले हुए जस्ते में डुबोकर धातु चढ़ाने का जो कार्य है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें आप कहेंगे कि इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, एक लाइन में सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं, और इन धातुओं का जो क्षरण है विशेषता जंग लगना जो है इससे रुक जाता है। धातु गैल्वनीकरण जो यहाँ पर लिखा है इसी को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है यसदीकरण। मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि प्रश्न में पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज जो है वो ना हो, इसी को यसदीकरण के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में गैल्वनाइजेशन जो है वो कहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो सारी चीज़ें मैंने बता दी, आपका पूरा कंप्लीट हुआ मॉडल पेपर, आपका क्या कुछ स्कोर रहा है इन 11 प्रश्नों में से, अपना जो स्कोर है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का जो मॉडल पेपर है इसी प्रकार लेकर आया जाए वो भी वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। तो आज में इतना ही, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।